सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। गढ़वा धुरकी प्रखंड में भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज सिंह के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह को अवैध किराए वसूली से संबंधित आवेदन पत्र सौंपा गया। ज्ञात हो कि प्रखंड क्षेत्र में अनुमंडल व जिला कार्यालय जाने के लिए अमजानों से छोटी बड़ी वाहनों के द्वारा अवैध रूप से किराया वसूल किया जाता था। चूंकि छोटी बड़ी वाहनों में ज्यादातर गरीब तबके के लोग ही सफर करते हैं, जिससे एक आम आदमी अनुमंडल व जिला कार्यालय में अपने निजी काम से ही आते जाते हैं और उनसे मनमानी तरीके से किराया वसूल किया जाता है, जिससे आम जन मनमानी किराया वसूली से अपने निजी काम से भी जाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। मनोज सिंह ने बताया कि जब डीजल का रेट 1 रुपया बढ़ता है तब वाहन मालिकों के द्वारा 10 रुपये तक का किराया बढ़ा दिया जाता है। यदि तेल का रेट कभी कम होता है तो किराया यथावत ही रहती है। इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि जो भी सरकारी दर किराया हो वो प्रत्येक सवारी वाहन में लिस्ट चिपका दिया जाए ताकि सभी लोग निर्धारित किराया पता चले। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित थे भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि अखिलेश यादव, राम प्रवेश गुप्ता, भाजपा मंडल महामंत्री मंगल यादव, रविंद्र यादव, रंजीत कुमार, मुन्ना कुमार के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद थे। धुरकी से आशीष कुमार की रिपोर्ट।